बताया था, जिसमें हमने आपको लॉ की बेसिक्स बताई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, और डिवीजन ऑफ पावर बताया, लिस्ट बताई, लॉ किसने शुरू किया है ये बताया। अब जो है इस वीडियो में मैं आपको जो, जैसे अब हम लोग मर्केंटाइल लॉ पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस लॉ क्या है? बिजनेस लॉ वो है जो कि बिजनेसमैन पर्सन्स के ऊपर और जो बिजनेस में डील करते हैं उन सब लोगों के ऊपर लगता है। और चूंकि हम लोग जो हैं कॉमर्स ग्रुप के जो बच्चे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या और लोग भी जो एमबीए कर रहे हैं, उन सबको ये जानना जरूरी है कि बिजनेस से रिलेटेड रूल्स क्या है, जिससे कि जैसे अगर आपको कोई भी एडवांटेज लेना है उसका कहाँ पे क्या नियम है, इसको जानना आपके लिए जरूरी है, फॉलो करने के लिए भी, और अगर उन रूल्स को डेविएट करना है तो उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं तो बहुत बेसिक एक्ट है, सबसे लेंथीएस्ट एक्ट है, सबसे ज्यादा चीजें इसमें हैं और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था लॉ में जो चीजें जिस तरह से दिखती हैं उस तरह से है नहीं। अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में शुरू हुआ, 1 सितंबर से पूरे इंडिया में लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, वहां पे जो है वो लोग समझेंगे लागू करेंगे, जो नहीं समझेंगे वो नहीं, चीजें लागू होती है वहां पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शुरुआत में 266 सेक्शन थे, जिसमें कि 2 को हटाया गया, ये गुड से रिलेटेड और पार्टनरशिप से रिलेटेड, क्योंकि इनके अपने प्रोविजंस काफी ज्यादा हो गए थे, तो 1 के जगह सेल्स ऑफ गुड एक्ट बन गया और 1 के जगह पे पार्टनरशिप एक्ट बन गया। अब जो है इनको छोड़ के बाकी सारी चीजें हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 125, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स 76 से 124, जो कि अब घट गया, फिर स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंडेमिटी गारंटी बिलमेंट ऑफ लेस से रिलेटेड चीजें हैं वो 125 से 238, और पार्टनरशिप से रिलेटेड भी चीजें थी 239 से 266, इसको भी हटा दिया गया, इनकी जगह 2 नए एक्ट बन गए, बाकी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। देखिए जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, चाहे हमने साइंस पढ़ी चाहे कॉमर्स पढ़ी, कॉमर्स पढ़ा तो सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा, और अगर हमने अकाउंट्स पढ़ी तो उसमें डेटर केटर क्या होता है वो पढ़ते हैं, तो उसी तरह से हमारे यहाँ हर एक्ट में उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर देखते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे प्रपोजल या प्रस्ताव सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। तो देखिए सेक्शन आप तभी लिखिएगा चीजों को जब एकदम क्लियर हो, क्योंकि अगर आपने सेक्शंस गलत लिख दिए तो पेनाल्टी के तौर पे नंबर काटे जाते हैं और काफी कायदे से काटे जाते हैं। तो सेक्शंस में थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, 2A स्मॉल टू स्मॉल, वीक टू वीक, जैसा मैं लिखूंगा उस हिसाब से आपको लिखना है। अब प्रपोजल क्या है? प्रस्ताव, अगर हम किसी को कोई काम करने के लिए कहें या किसी को कोई काम करने के लिए मना करें तो उसको हम प्रस्ताव कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप ये मेरी पेन 10 रुपये में लेंगे, तो ये प्रस्ताव है, ठीक है, तो इसको हम प्रपोजल कहते हैं। अब प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस की बारी आती है कि वो आदमी उस चीज को एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है। डिनाई कर देता है तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है, एक्सेप्ट करता है तो फिर वो प्रॉमिस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि एक्सेप्टेड प्रपोजल्स जो भी होते हैं वो प्रॉमिस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रॉमिस की अलग से एक्सेप्टेंस की कोई अलग डेफिनेशन नहीं, सेक्शन 2B में ही वो इंक्लूडेड है, स्वीकृत प्रस्ताव वचन बन जाता है। अब इसमें 2 होते हैं, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ऑफरर और ऑफरी। प्रोमिसर वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज के लिए प्रोमिस करता है, और प्रोमिसी वो जिसको वो करता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि मैं आपको अपनी पेन 10 रुपये में देने को तैयार हूं, तो मैं प्रोमिसर और आप प्रोमिसी, ठीक, ऑफरर एंड ऑफरी, प्रस्तावक एवं प्रस्ताव ग्रहीता, जो प्रस्ताव रखेगा वो प्रस्तावक और जो उसको ग्रहण करेगा वो प्रस्ताव ग्रहीता। फिर कंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2D में सबसे ज्यादा बार आई हुई, सबसे ज्यादा चीजों में इसको मानने वाली चीजें रहती हैं। सेक्शन 2D में कंसेशन डेफिनेशन सबसे टफेस्ट डेफिनेशन, इसलिए क्योंकि डेफिनेशन में इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को लेके लिखा हुआ है, प्लस उसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन कोई भी चीज के बदले में या कोई प्रोमिसेस है, इन तीनों चीजों को इंक्लूड किया है। सिंपल भाषा में कंसिडरेशन, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो जो भी दोनों पार्टी को मिल रहा है वो कंसिडरेशन है, ठीक है,
और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम शॉपकीपर के पास गए, उससे हमने ये पेन खरीदी और 10 रुपये उसको दिए, तो वो 10 रुपये उसके लिए कंसेशन और पेन मेरे लिए कंसेशन। मैं किसी से कहता हूँ कि मैं आपको कल ये 10 रुपये में पेन बेचूंगा, वो कहता है कि मैं खरीदूंगा, तो उसकी प्रॉमिस मेरे लिए कंसेशन, मेरी प्रॉमिस उसके लिए कंसेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट का सेक्शन 2E में लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ दो चीजें जरूरी हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर करे, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस करे। फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आती हैं। एक प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही को ही कहते हैं पारस्परिक वचन। एक प्रॉमिस एक आदमी करे, दूसरा प्रॉमिस दूसरा पर्सन भी कोई एक प्रॉमिस करे, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब वाइड एग्रीमेंट, VOID, वाइड, वाइड को मतलब कहते हैं व्यर्थ। ये वो एग्रीमेंट होते हैं जो शुरुआत से ही व्यर्थ होते हैं। लोग इसको कर इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लॉ की जानकारी नहीं होती। जैसे माइनर के साथ कोई आपने एग्रीमेंट कर लिया, या आपने क्या कहते हैं किसी पागल के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो वो सब वाइड एग्रीमेंट होते हैं। या आपने इम्पॉसिबल एक्ट के लिए कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो सारे वाइड एग्रीमेंट हो जाते हैं, सेक्शन 2G में व्यर्थ ठहराव। कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल डेफिनेशन, लेकिन पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वो बेस है। उसमें लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट इम्पोजेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ठहराव जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सेक्शन 2H में दी हुई है डेफिनेशन। फिर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्या कहते हैं, जिनके पास ये एबिलिटी है कि हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए किसी को मारपीट के या किसी को डरा धमका के कोई एग्रीमेंट किया गया या कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, तो वॉइडेबल होते हैं। ठीक है, विच हैज द एबिलिटी टू बी डिक्लेयर वॉइड, जैसे कोरिजन में है, फॉरवर्ड में है, इनके थ्रू अगर कोई भी एग्रीमेंट किया गया तो वो हो। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाइट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि क्या कहते हैं शुरुआत में वैलिड होते हैं, लेकिन लॉ चेंज हो जाने की वजह से वो इनवैलिड हो जाते हैं। जैसे कि आपका, अगर हमने पॉलीथीन बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बेचने के ऊपर बैन लगा दिया, तो वो व्हाइट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। अब देखिए, ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप जमीन खरीदने गए और जमीन खरीदने के लिए आपने एग्रीमेंट करा दिया, तो एग्रीमेंट तोड़ देगा आदमी तो फिर आप कंपनसेशन के लिए लायबल हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी ही मिले तो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्री करा लिया तो डेट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई आदमी मैरिज करने जाता है, तो एक हम लोग क्या होती है नोटरी वाली, जिसमें आप नोटरी के पास जाएंगे, नोटरी उसको करके मैरिज रजिस्ट्री करके स्टैम्प पेपर पे आपको दे देगा, तो उस मैरिज का कोई वैलिडेशन नहीं है। सबसे जरूरी जो मैरिज होती है, जो रजिस्टर्ड मैरिज होती है, जो रजिस्ट्रार के सामने होती है, तो दैट इज द फॉर्म, वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में उस मैरिज की ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आई। ये मेरा पार्ट दूसरा था, इससे पहले वाला पार्ट था, और इसके बाद हम थर्ड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम आगे की चीजें इसके बताएंगे। ओके, थैंक यू।